दबंग फ्रेंचाइज में सलमान खान कोई देसी हल्क से कम नहीं है। आपको यकीन नहीं आता तो आप दबंग फ्रेंचाइज की कोई भी मूवी देख लो, आपको सलमान खान 100-100 गुंडों को मारते हुए अकेले नजर आएंगे, और ये सिर्फ हल्क ही कर सकते थे। इसीलिए हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के देसी हल्क है सलमान खान। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में, मैं हूँ राक्षिक। तो आज हम लोग बात करें दबंग 3 मूवी के बारे में। तो भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने दबंग 3 मूवी देख चुका, और मूवी देखने के बाद मुझे कैसे लगा मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप जरूर देखना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखो दबंग 3 मूवी के बारे में आपको इतना ही बोल सकता है, इसकी कहानी के बारे में तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप लोगों ने दबंग 3 मूवी का ट्रेलर देखा है तो ट्रेलर में ही आपको पूरी की पूरी कहानी का पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको चुलबुल पांडे के फ्लैशबैक में, यानी कि जब वो चुलबुल पांडे नहीं थे तब उनकी जिंदगी में एक लड़की आती है, और लड़की आने के बाद उसके साथ क्या कुछ होता है ये हमें इनके फ्लैशबैक में बताया गया। लेकिन फिल्म की जो असली जान है वो है इसका सेकंड हाफ, जहां पे आपको फुल टू एक्शन सीन्स और फुल टू भारी भारी डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इस मूवी की जो मुझे पर्सनली अच्छी बात लगी वो ये है, इस मूवी का विलन यानी किच्चा सुदीप, दबंग फ्रेंचाइज में मैंने आज तक ऐसा कोई विलन नहीं देखा जिसका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो इतना जबरदस्त हो। आप यकीन नहीं मानोगे, दबंग 1 में जो सोनू सूद ने किया था वो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस था। सेकंड पार्ट में प्रकाश राज को वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, वो नहीं मिली थी उनको। लेकिन थर्ड पार्ट में किच्चा सुदीप का जो स्टार पावर है वो साफ समझ में आता है। अगर जो भी सीन में आप सलमान खान और किच्चा सुदीप को एक साथ देखोगे एक फ्रेम में, वो सीन पैसा वसूल है। उसके अलावा इस मूवी की जो अच्छी बात है, देखिए कहानी काफी प्रेडिक्टेबल है, कहानी के बारे में हम लोग बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। इस फिल्म की जो सबसे अच्छी बात है वो है इसके डायलॉग्स, वो है इसके एक्शन सीन्स, वो है इसके गाने, वो है इसके रोमांटिक सीन्स, वो है इसके कॉमेडी सीन्स, ये सब उसकी जान है। उसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस सबसे अच्छा जिसका लगा तो वो है साई मांजरेकर और किच्चा सुदीप, उनका परफॉर्मेंस इस मूवी में देखने लायक। सोनाक्षी सिन्हा के लिए करने के लिए कुछ ज्यादा था नहीं, तो उनका जितना भी काम था अच्छा था। अरबाज खान का भी एज यूजुअल जितना उनका फर्स्ट सेकंड में था बिल्कुल उसी तरह के काम है, और वो भी ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर सलमान खान के अलावा सिर्फ किच्चा सुदीप और साई मांजरेकर का जो लोगों को पसंद आएंगे और मुझे पर्सनली अच्छे लगे। हाँ डायरेक्शन की बात करो तो प्रभु देवा ने बहुत ही कमाल का काम करके दिखाया। प्रभु देवा की कुछ ऐसी फिल्में हैं जो आज भी लोग देखते, जैसे रौडी राठौर, वॉन्टेड, आर राजकुमार, तो बिल्कुल ये मूवी भी पब्लिक इसी तरीके से एक कल्ट मूवी बना देगी, और इसको दोबारा से टेलीविजन पर जब रिलीज होगी तो ऑडियंस देखेगी, क्योंकि ये मूवी आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक एंटरटेन करती है, कहीं पे भी बोर नहीं करती। हाँ इस मूवी में आपको कहीं कहीं पे सोशल मैसेज भी देखने को मिलेगा, और वो सोशल मैसेज क्या है वो आप लोग खुद देख के आप ही जज कर लेना कि कितनी हद तक ये सब सही है। जो इसका क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाला, क्योंकि क्लाइमेक्स में इतना जबरदस्त एक्शन बताया किच्चा सुदीप और सलमान सर के बीच में कि आप लोग देखोगे तो मतलब आपके समझ लो कि आप अगर 150 रुपए की टिकट ले रहे हो तो आपके 150 रुपए भी वसूल हो जाएंगे, और आप लोग सोचोगे कि हाँ यार मतलब वाकई में कुछ काम करके दिखाया लोगों ने इस बार एक्शन सीक्वेंस को लेकर, क्योंकि एक्शन सीक्वेंस यहाँ पर काफी अलग हटके बताने की कोशिश की गई है। क्योंकि दबंग फ्रेंचाइज में सलमान खान कोई देसी हल्क से कम नहीं है। आपको यकीन नहीं आता तो आप दबंग फ्रेंचाइज की कोई भी मूवी देख लो, आपको सलमान खान 100-100 गुंडों को मारते हुए अकेले नजर आएंगे, और ये सिर्फ हल्क ही कर सकते थे। इसीलिए हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के देसी हल्क है सलमान खान। सलमान खान की दबंग 3 बिल्कुल आप लोग के लिए पुल टू पैसा वसूल है, कहीं से भी आपको बोर करेगी नहीं। हाँ कहानी ढूंढने के लिए मत जाना, क्योंकि कहानी फिल्म में है नहीं, जो भी ट्रेलर में था बस वही फिल्म की कहानी है। आप इजीली प्रिडिक्ट कर लोगे कि स्टार्ट कहां से होगा और एंड कहां से होगा। तो बस इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दिल्ली।